राउंड राउंड शेप में आप फिलिंग करते हो। आप जो निडल को है वो राउंड में आप उसको घुमाते हो और धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट या अप्स एंड डाउन मूव करते हो आप। जैसे ये राउंड में ऐसे आप घुमाते हो आप राउंड में, और वो अप्स एंड डाउन या लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल गुप्ता, आई एम फाउंडर ऑफ बेबी टैटू एंड आर्ट स्टूडियो। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैटूज के बारे में कि टैटू में लाइनिंग कैसे करते हैं, टैटू में फीलिंग कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैं बनाने जा रहा हूँ एक फॉन्ट, और ये एक फॉन्ट है, स्क्रिप्ट है चैम्पियंस। और ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक आर्टिफिशियल स्किन पे बनाने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्किन पे नहीं बना रहा हूँ। और इन आर्टिफिशियल स्किन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि कैसे लाइनिंग करते हैं, कैसे फीलिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप टैटूज आर्टिफिशियल स्किन पर सीखते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई ना करें, डायरेक्ट स्किन पे वर्क ना करें, क्योंकि ये जो टैटूज ट्रेनिंग का वर्क होता है ये एक एक्सपर्ट के अंडर में ही होता है, जिसमें हम एक एक्सपर्ट जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस टैटू आर्टिस्ट होते हैं, तो उनके अंडर में हम काम करते हैं और उनके अंडर में ही हम सीखते हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई ऑन डायरेक्ट स्किन, बट इन आर्टिफिशियल स्किन आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी टैटू को काम करने से पहले सबसे पहले जो वर्क होता है वो होता है ट्रेसिंग करना। और ये जो फॉन्ट मैं करने जा रहा हूँ इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, और ये कार्बन पेपर है जिसे हेक्टो कार्बन बोलते हैं। ये किसी भी टैटू जो शॉप होते हैं वहाँ पर ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं या आप ऑनलाइन किसी भी साइट से ये जो कार्बन है वो ले सकते हैं, अमेज़न या किसी भी साइट से। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रेसिंग करता हूँ। तो ट्रेसिंग करने के लिए मैं 3H की पेंसिल यूज़ करता हूँ, 2H की पेंसिल यूज़ करता हूँ ट्रेसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेस करते हैं। ये मैं जो फॉन्ट की जो आउटलाइन है उसको हम ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो भी फॉन्ट होता है तो उसके आउटर लेयर को हम ट्रेस करते हैं। ये हम ट्रेस कर रहे हैं। इसको ट्रेस करने के बाद हम जो आर्टिफिशियल जो स्किन पैड होती है उस पर हम इसको जो है उसको फिल करेंगे, उसको लगाएंगे, और फिर उस पर जो है मशीन वर्क करेंगे कि कैसे टैटू में हम लाइनिंग को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम फिलिंग करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग करते हैं। अब इसमें आप देखोगे सारी ट्रेसिंग वर्क हो गया पीछे, और ये मैं मैंने ट्रेसिंग वर्क कर लिया, ठीक है। तो इसको हम जो है आर्टिफिशियल स्किन पे इसको लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम चलाएंगे टैटू मशीन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैटूज को लाइनिंग करते हैं और कैसे टैटू को फिल करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, दिस इज़ आर्टिफिशियल स्किन। ये जो आर्टिफिशियल स्किन होती है ये सिलिकॉन की होती है, और कोई भी टैटू वर्क जो हम करते हैं उससे पहले हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, और इस पर प्रैक्टिस करने से हमें थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है टैटू वर्क के लिए। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा ये जो फॉन्ट है उसको मैं इस पर ट्रेस करके उस पर लाइनिंग कैसे करते हैं और फिलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप आर्टिफिशियल स्किन पर काम करने के बाद डायरेक्ट जो है अगर आप टैटूज आर्टिस्ट नहीं हो
तो आप डायरेक्ट अप्लाई ना करें, डायरेक्ट किसी भी स्किन पे डायरेक्ट टैटू वर्क ना करें, क्योंकि ये जो टैटू वर्क होता है तो ये किसी बड़े टैटू आर्टिस्ट के अंडर में पहले इसकी ट्रेनिंग्स होती है, इसकी स्टडी होती है, प्रॉपर आपको जो बताया जाता है, तो उसके बाद ही आप जो है डायरेक्ट जो स्किन होती है उस पर आप टैटू वर्क करते हैं। तो डायरेक्ट ना करें आप टैटू, थोड़ा बहुत सीखने के लिए आर्टिफिशियल स्किन पे काम कर सकते हैं। तो आज मैं इस फॉन्ट को इस पे लगाऊंगा, ट्रेस करूंगा। तो उसके लिए हम जो है डिटॉल का यूज़ करते हैं। तो ये डिटॉल की लिक्विड है, डिटॉल किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको ये मिल जाएगी। और ये जो फॉन्ट है उसको मैं ये लगाने के बाद इसको ऐसे करके इसको फ्रेंड्स प्रेस करते हैं। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद आप देखो ये जो हेक्टोकार्बन्स जो होता है वो उसमें ट्रेस हो जाता है, वो उसका पूरा शेप आ जाता है। अब ये जो कार्बन है इस पर हमें टैटू मशीन चलाना होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइनिंग करते हैं टैटूज में, कैसे फिलिंग करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस टुडे मेरा सेटअप जो है वो रेडी है, और ये टैटू मशीन है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये ड्रैगन फ्लाई है, और ये रोटरी मशीन है, और ये जर्मनी की बनी हुई है, मेड इन जर्मनी। सो ये आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मशीन है, बहुत ही प्यारा मशीन है। रोटरी है, साइलेंट, बहुत ही आवाज़ नहीं होती इस टैटू मशीन। सो इसमें जो मैं टिप यूज़ कर रहा हूँ वो 5 पैरल की टिप होती है, और ये 5 पैरल जनरली लाइनिंग और स्मॉल फिलिंग, जो छोटे फिलिंग्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। 5 पैरल्स की निडल होती है, 5 पैरल की टिप होती है। तो जो लाइनिंग जो भी फॉन्ट होते हैं और स्मॉल फॉन्ट होते हैं तो उसमें हम 5 पैरल से ही उसकी फिलिंग कर देते हैं, और लाइनिंग वर्क भी हम 5 पैरल से ही करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं टैटूस को लाइनिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने लाइनिंग करने के पहले इसमें हल्का सा कोई भी जो पेट्रोलियम जेल आता है या वैसलीन होता है या विटामिन ए एंड डी क्रीम होते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं लाइनिंग करने के पहले। तो अब मैं लाइनिंग करने जा रहा हूँ। तो लाइनिंग करने के लिए आप पहले नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ कीजिए। लाइनिंग दो तरह से होती है, एक जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल से होती है, एक जो होती है वो आपका थोड़ा सा जो मशीन होता है वो स्लैंट होता है, तो वो 60 डिग्री या 70 डिग्री पे स्लैंट होता है टैटू मशीन, तो उस पे भी लाइनिंग वर्क होता है। मैं जनरली जब लाइनिंग वर्क करता हूँ तो मैं टैटूस को 90 डिग्री पे ही टैटू मशीन को करके मैं लाइनिंग करता हूँ, तो उसमें लाइनिंग बहुत ही अच्छा आता है। ये नीचे से ऊपर की ओर धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो ये रहा लाइनिंग वर्क। ये नीचे से ऊपर की ओर, गाइस जो मैं इसमें नीडल को मैंने जो निकाल रखा है वो काफ़ी थोड़ा सा ही निकालते हैं टिप से, ज़्यादा नहीं निकालते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिप नहीं करते, स्किन के ऊपर ही, स्किन पैड के ऊपर ही इसको डिप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिप ना करें इसको, और लाइनिंग वर्क करें आप स्टेप बाय स्टेप।
जैसे ही मैं लाइनिंग करता हूँ तो मैं टिश्यू पेपर को ऐसे प्रेस करता हूँ और फिर उसको उठा लेता हूँ। तो कोई भी टैटू काम करे तो आप इस तरह से इसको वाइप ना करें, उसको आप ऐसे टिप करके ऐसे छोड़ दें। तो इस तरह से वाइप करते हैं, गाइस स्किन पैड में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई भी जो टैटू वर्क होता है एक प्रोफेशनल वर्क होता है, इसमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है, आप लाइनिंग कर रहे हो तो कितना आपको प्रेस करना है स्किन के अंदर, तो वो एक आर्टिस्ट के अंडर में ट्रेनिंग्स होती है उसकी, जिसमें आप सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये बहुत ही कोई भी आप टैटू वर्क करें तो किसी आर्टिस्ट के अंडर में सीखें, ट्रेनिंग्स ले उससे, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएंगी। मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, स्किन पैड में लाइनिंग कैसे करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, धीमे धीमे आप ऊपर जाएं, फिर नीचे आए, फिर ये चीज़ फिर ये लाइनिंग में कर रहा हूँ। लाइनिंग के बाद मैं आपको बताऊँगा कि टैटू में फीलिंग कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों गाइस कि टैटू में लाइनिंग कैसे करते हैं। ये मैं कैसे फॉन्ट साउंड, जब भी आप लाइनिंग करते हैं तो साउंड एक जैसा आता है, अगर एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब आपका लाइनिंग वर्क सही है। अगर साउंड में थोड़ा वेरिएशन होता है, कहीं ज़्यादा साउंड आता है, कभी धीमे आता है, तो इसका मतलब आपकी लाइनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, वो कहीं पे ज़्यादा लाइनिंग डीप हो रहा है स्किन के अंदर, कहीं कम डीप हो रहा है। तो अगर आपका साउंड सही है तो आपकी लाइनिंग वर्क सही है। तो गाइस ये मैंने लाइनिंग वर्क कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन करूँगा। ठीक है, मैंने वैसलीन को इसके ऊपर लगाया, मैं इसको अब वाइप करूँगा। तो ये देखिए आपका ये जो है लाइनिंग वर्क हो गया है। मैं इस पर फिलिंग वर्क के बारे में आपको बताऊं। फिलिंग के लिए गाइस फिलिंग करने का दो तरीका होता है, एक होता है आप अपर लोअर्स
एकदम फॉन्ट मतलब जो नीडल होता है उसको अपर लोअर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, अप डाउन स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ना होता है, लेफ्ट टू राइट मूव होना पड़ता है, अप्स डाउन लेफ्ट राइट स्मॉल स्मॉल मूवमेंट होती है, ये फीलिंग होता है इस तरह से टैटूज की। ये स्मॉल अप्स डाउन एंड जो सेकंड टेक्निक्स होती है फीलिंग की, सेकंड टेक्निक होती है कि राउंड राउंड शेप में आप फीलिंग करते हो, आप जो नीडल को है वो राउंड में आप उसको घुमाते हो और धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट या अप्स एंड डाउन मूव करते हो आप, जैसे राउंड में ऐसे आप घुमाते हो आप राउंड में और वो अप्स एंड डाउन या लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो, तो ये जो होता है इस तरह से हम फीलिंग करते हैं। ये राउंड शेप में मैं इसको फिलिंग कर रहा हूँ, तो आपको जो टैटू मशीन है वो आपको राउंड शेप में आपको चलानी है। मैं जनरली अप्स डाउन स्टेप पे ही टैटू की फिलिंग करता हूँ, हेड को अप्स डाउन मूव करता हूँ और उस टेक्निक से मैं उसको फील करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आर्टिफिशियल स्किन पे वर्क कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट स्किन पे ना करें क्योंकि आर्टिफिशियल स्किन में कोई गलतियाँ होती हैं तो वो तो सुधारी जा सकती हैं, बट जो डायरेक्ट टैटूज स्किन पे बनते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो चीज़ें सुधारी नहीं जा सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि टैटूज में लाइनिंग कैसे करते हैं और फिलिंग कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। टैटू फिलिंग के लिए आप सीधा हूँ
सो गाइस पहले आप लाइनिंग करें, फिर आप ये राउंड शेप में इसके अंदर फिल करें। ये राउंड शेप में आप करते हैं। राउंड शेप में इसको पाइप आर टैटू को चला रहा हूँ राउंड शेप में इस तरह से आप टैटू की फिलिंग करते हैं। सो टैटूज को फील करने के लिए हम टैटू मशीन को राउंड शेप में चलाते हैं लाइनिंग। टैटू को फील करने के लिए हम राउंड शेप में इसको चलाते हैं। कभी भी टैटू वर्क करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है हाइजीन। आप कभी भी किसी टैटू स्टूडियो में जाते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें कि उस स्टूडियो में जो नीडल है वो नया लग रहा है कि नहीं, आपका टिप है नया लग रहा है कि नहीं, आर्टिस्ट का पुराना काम देखें और तभी टैटूज कराएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं किसी टैटू स्टूडियो में जब हम टैटूज कराते हैं। सो गाइस आपको लाइनिंग के बारे में मैंने बताया हुआ था लाइनिंग कैसे करें, तो डिप करके आपको चलानी है टैटू मशीन। ठीक है, सो फाइनली गाइस दिस थिंग इज कंप्लीटेड और मैंने आपको अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर की कि कैसे आप आर्टिफिशियल स्किन में लाइनिंग करते हैं,
कैसे आप फीलिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि मैं और सारा मेहनत करके और सारे वीडियोस जो है आपके सामने लेके आऊँ। तो थैंक यू गाइस।